हेलो एवरीवन, मैं हूँ अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ए के एस अकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग का जो है विविध का ही टॉपिक है और हम लोग विविध के टॉपिक आज से हम लोग क्या है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है विश्व के 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व बिरादरी में 10 ऐसे कौन से सबसे बड़े देश हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि जो भी एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, एमपीपीएससी हो गया, एसआई हो गया, पटवारी हो गया, या अन्य जहाँ के भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी, एसआई और पटवारी, तो ये सब एग्ज़ामों में विविध के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मैं एमपीपीएससी की बात करूँ तो पिछले 3-4 वर्षों में विविध को स्पेशली टारगेट कर रहा है, वहाँ से लगभग 20% क्वेश्चन आते ही आता है हर बार। 20% क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि विविध से ही होते हैं। तो आई होप आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, यदि 20 में आपने यदि 17, 18, 15 भी क्वेश्चन यदि सही कर लिया तो मतलब आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। तो गाइस, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। उसके पहले तो जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको जो बताऊँगा आज क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 10 सबसे बड़े देश, इसको क्या है पूरी तरह से मैं एक बार क्या है पूरी तरह से आपको क्या है एक बार ट्रिक के माध्यम से बताऊँगा, और एक बार जनरली सिंपल वे में आपको चीज़ों को डिस्कस करूंगा। जो आपको जो मेथड आसान लगता है आप उसको उस मेथड से आप चीज़ों को याद करिए। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं जीके ट्रिक्स। देखिए ट्रिक्स के माध्यम से, देखिए मैं आपको एक लाइन लिखूंगा उसके माध्यम से क्या है पूरे आपको 10 के 10 देश आपको क्या है एक बार में याद हो जाएंगे। तो देखिए वो ट्रिक है, रूप चीन भारत अब आके आया है ना। तो ये आपको क्या है एक लाइन याद करना है और आपको पूरी सारी चीज़ें जो है वो तो क्लियर हो जाएंगी। ये मैं को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं हो कि भूलेगा, एक बार पढ़ेंगे और हमेशा के लिए आप चीज़ों को याद रखेंगे और क्या है एग्जाम में आपको एक भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, रुख चीन अब भारत आके आया, ठीक, रुक चीन अब भारत आके आया, ठीक है। इसको आपको याद करना है, याद भी क्या करना है, आपको पता है कि चीन और भारत हमेशा क्या रहता है, विवाद की स्थिति बनी रहती है, हमेशा क्या होता है विवाद की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं तो उसमें चीन को नहीं बुलाया जाता, किसको बुलाया जाता, भारत को बुलाया जाता। तो यही बताया जा रहा है कि रुक चीन अब भारत आके आया, मतलब कि अब क्या है कि अब आपका खेल खत्म है, अभी भारत को जाना है जहाँ पे भी अब उसका इंटरनेशनल मीटिंग जो होती है उसमें भारत को बुलाया गया है ना। तो इस आधार पे समझिए, तो इसको पहले आप क्या है नोट करिए है ना, तो इसको क्या है एक स्लोगन को नोट करिए, फिर मैं इसका पूरा डिफिनेशन आपको बताऊंगा। तो ये हम लोग का एक लाइन का ये है, रुक चीन अब भारत आके आया है ना। तो देखिए आर, ये आर से हो गया रूस, ठीक है, ये आर से हो गया रूस, ये हो गया कनाडा, देखिए रूस से रूस, कहा से कनाडा, और ये चीन है तो सीधा चीन आ जाएगा। देखिए इसके बारे में अभी क्या है एक एक डिस्कस भी करूंगा, कौन से देश कौन से महाद्वीप में स्थित है ना, कहाँ पे उसकी स्थिति है, तो उसके बारे में जो भी स्पेशल चीज़ है, जो भी विशिष्ट चीज़ है उसको भी डिस्कस करना है, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वाले आज से अमेरिका आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ है ना। फिर ये बा से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। अब ये आज से ऑस्ट्रेलिया, अब वहां से तो भारत ही रहेगा, वहां से अर्जेंटीना, कहां से कजाकिस्तान, और ये आया से अल्जीरिया। देखिए अब क्या है
ये आपके हो गए 10 देश, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, है ना। तो अब देखिए जो रूस है, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में स्थित है। कौन सा, कौन कौन से महाद्वीप? तो पहला तो एशिया महाद्वीप और दूसरा है एशिया के बाद यूरोप। देखिए कभी कभी एग्जाम में कैसा आता है कि रूस की स्थिति कहां पे है, तो एशिया व यूरोप दोनों में है, उत्तरी एशिया व उत्तरी यूरोप, ठीक है। कनाडा कहां पे है, तो कनाडा है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका। देखिए रूस क्या है, दो महाद्वीपों में स्थित है, एशिया एशिया महाद्वीप व यूरोप महाद्वीप, और इसमें भी एशिया में कहां पे है, सबसे उत्तर में, तो उत्तरी अमेरिका व उत्तरी एशिया व उत्तरी यूरोप। कनाडा कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आपको पता है 7 महाद्वीप है, कौन कौन से, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कौन से देश कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये सारे देश जो है 10 के 10 देश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से, हर एक चीज से, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, हर एक चीज से बहुत ही संपन्न राष्ट्र है। यहाँ इन 10 क्वेश्चन, इन 10 देशों से टारगेट करके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको क्या पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के हिसाब से आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके स्थान कौन से है, पहला, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, और कौन से महाद्वीप में है वो पता होना चाहिए। तो देखिए चीन, चीन कहाँ पे, चीन जो है तो एशिया में स्थित है, लेकिन एशिया में कहाँ पे, तो पूर्वी एशिया। देखिए कई बार क्या होता है कि चीन को कई लोग बोलते हैं कि दक्षिण एशिया में स्थित है, नहीं है, दक्षिण एशिया में स्थित नहीं है, कहाँ पे स्थित है, तो पूर्वी एशिया में स्थित है। अमेरिका, अमेरिका पता है आपको उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ब्राजील, ब्राजील कहाँ पे स्थित है, तो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका। ब्राजील कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसको द्वीप की भी संज्ञा दी है, महाद्वीप की भी संज्ञा दी है और एक देश की भी संज्ञा दी गई है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप होने के साथ साथ एक महाद्वीप भी है, तो ये एक द्वीप भी है, एक द्वीप भी है और राष्ट्र भी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करता है, कैसे टारगेट करता है, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे 7 महाद्वीप हैं, है ना, 7 महाद्वीप और 7 महासागर, है ना। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो 7 महाद्वीप है, तो 7ों महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया उस सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है 7ों महाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप है, लेकिन द्वीप की बात की जाए तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए द्वीप और महाद्वीप में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा महाद्वीप है, एक टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए ध्यान रखिए, जो महाद्वीप है वो महाद्वीप कितने हैं, केवल और केवल 7 महाद्वीप है, और द्वीप की बात की जाए तो बहुत सारे हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में द्वीप है, करोड़ों की संख्या में द्वीप है, है ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या होता है और द्वीप क्या होता है। देखिए महाद्वीप क्या होते हैं कि जहाँ पे आपको किसी एक अलग राष्ट्र की स्थापना की गई हो उसे बोलते हैं महाद्वीप। जैसे कि आप एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया, देखिए 7 महाद्वीप कौन से, मैं एक बार गिना देता, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एशिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, है ना, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया। देखिए द्वीप और महाद्वीप समझ में आ गया होगा, द्वीप बहुत छोटे भी होते हैं, जैसे हम लोग भारत में ही कई सारे, बहुत सारे 247 द्वीप हैं, भारत में 247 द्वीप हैं, और जिसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है, द्वीप ही तो है ना, महाद्वीप थोड़ी है, द्वीप है। तो द्वीप में अगर बात की तो सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसकी स्थिति पता है आपको, प्रशांत महासागर में है और एशिया के नीचे ही है, है ना, जो दक्षिण एशिया है उसके नीचे है। तो इतनी सारी चीज आपको यहाँ पे पता चल गई। अब देखिए भारत, भारत जो है, भारत पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में है और भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, भारत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भारत विश्व बिरादरी का 7वां सबसे बड़ा देश है, और दूसरा चीज क्या है कि विश्व बिरादरी का 7वां सबसे बड़ा देश तो ही है, दक्षिण एशिया के, दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना कहाँ का देश है? दक्षिणी अमेरिका। फिर ठीक है, आ से अर्जेंटीना, फिर के से कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कहां पे है? तो कजाकिस्तान क्या है? मध्य एशिया। मध्य एशिया को क्या बोलते हैं? यूरेशिया भी बोलते हैं। देखिए एग्जाम में यूरेशिया बोल सकता है और या फिर मध्य एशिया भी बोल सकता है ना। कजाकिस्तान को कहां पे स्थित है? यूरेशिया या फिर मध्य एशिया। मध्य एशिया को ही क्या बोला जाता है? यूरेशिया। अब देखिए अल्जीरिया, यदि यहां पे आपको समझ नहीं आ रहा हो तो यहां पे लिख ले अल्जीरिया। देखिए जो अल्जीरिया है वो कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है ना। यहां पे देखिए जगह है नहीं और अल्जीरिया। अल्जीरिया कहां पे? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये अल्जीरिया। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। एक बार ट्रिक को देखिए, रुख चीन अब भारत आके आया है ना। रू से रूस, का से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील है ना। बा से ब्राजील, अब से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत होगी, भारत तो भारत होगी लिखा ही हुआ है, आ से अर्जेंटीना, के से कजाकिस्तान, आया से अल्जीरिया है ना। तो इतनी सारी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए आज जो हम लोगों ने पढ़ा 10 देशों के बारे में पढ़ा, कौन सा देश सबसे बड़ा, तो कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस पहले नंबर पे, यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ चाहे तो। पहला नंबर रूस, सेकंड नंबर कनाडा, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, फिर थर्ड में है चीन, फोर्थ में है अमेरिका है ना। इसको आप क्या है सिक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं, रूस कनाडा चीन अमेरिका, अमेरिका के बाद पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां है भारत, आठवां है अर्जेंटीना, नौवां है कजाकिस्तान और दसवां है अल्जीरिया है ना। इन सब की स्थिति भी देखा कहाँ पे है स्थिति, और इन देशों के प्रमुख बातें भी हम लोगों ने देखी। जैसे रूस की बात की जाए तो रूस उत्तरी अमेरिका व उत्तरी यूरोप का एक सबसे बड़ा देश है, जहाँ पे एक छोर पे यदि दिन हो रहा है तो दूसरे छोर पे क्या होता है? रात होता है। सबसे ज्यादा लगभग 18 टाइम जोन में ये विभक्त है रूस। कनाडा उत्तरी अमेरिका राष्ट्र है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे कनाडा में क्या है 10 राज्य हैं, 10 प्रांत है, राज्य मतलब प्रांत, 10 प्रांत व 3 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी वाला राज्य है कनाडा। फिर चीन हो गया पूर्वी एशिया का राष्ट्र है, और भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ 1949 के आसपास। फिर अमेरिका उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक स्वयं का एक महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही स्थित है। दूसरा चीज, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, साथ में सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया ही है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कैसे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान यूरेशिया में है, यूरेशिया मतलब कि यूरेशिया मतलब कि मध्य एशिया को यूरेशिया बोला जाता है। फिर आया से अल्जीरिया, अल्जीरिया कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश ये क्या है? अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। तो गाइज इतनी सारी चीज आपको क्या है समझ में आई होंगी। तो गाइज जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या तो पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और गाइज प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक, जरूरतमंदों तक क्या है मेरा वीडियो पहुंच पाए, और उन लोग क्या है उन लोगों की जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी क्लियर हो सके। और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आपको उसको क्या कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।